अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। हमने ये प्रोटेस्ट मार्च इसलिए निकाला, सबसे पहले तो बढ़ते हुए कम्युनलिज्म और फासिज्म जो देश में इतना बढ़ रहा है, ये प्रोटेस्ट मार्च उसके लिए था। ये प्रोटेस्ट मार्च उस 8 साल बच्ची के लिए था जिसको पहले किडनैप किया जाता है, फिर रेप किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। ये प्रोटेस्ट मार्च उसके अगेंस्ट था जो उन्नाव में रेप होता है और उस वो रेपिस्ट बीजेपी का एक विधायक निकलता है। आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी से, जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो मुस्लिम औरतों को ट्रिपल तलाक पर हक दिलाने की बात करते हैं, वो आसिफा जो एक मासूम 8 साल की बच्ची है, उसका रेप होता है तो उस पर चुप क्यों रहते हैं? जब उन्नाव में उन्हीं का विधायक रेप करता है तो वो खामोश क्यों रहते हैं? वो ट्वीट क्यों नहीं करना चाहते? हमारा सवाल एक और है, जब बीजेपी सत्ता में आई तो सबका साथ सबका विकास के साथ आई। हम वो विकास देखते हैं कभी मॉब लिंचिंग के रूप में, कभी लव जिहाद के रूप में, कभी का विजिलेंस के रूप में, कभी दलित पर अत्याचार के रूप में, तो कभी बलात्कार के रूप में। प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोलते, उस पर खामोश रहते हैं। या तो ये गवर्नमेंट इतनी यूजलेस है कि इस चीजों को रोक नहीं पा रही है, या वो इनडायरेक्टली खुद ही इन चीजों को इंडोर्स करती है, फैन करती है। और एक और चीज की विमेन सिक्योरिटी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन डिग्रेड होते जा रही है। हम देखते हैं कि बीजेपी का विधायक रेपिस्ट निकलता है और उसके फादर को बाद में मार दिया जाता है, कस्टोडियल उस डेथ हो जाती है, कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और हम इसके अगेंस्ट है। पूरा विमेंस कॉलेज स्टूडेंट यूनियन इसके अगेंस्ट है और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।